गाइज, अगर आपने अभी तक डाउटनट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउटनट ऐप का लिंक मिल जाएगा। जाइए अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, क्योंकि यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और उसके साथ साथ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक ही क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सो यार, फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? फिर से आपका स्वागत है नीलेश क्लास है यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज की मैं वीडियो में त्रिकोणमिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और गाइज, इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ऐसे सवालों को आसानी और जल्दी से कर सकते हैं। तो गाइज, क्या है सवाल की सिद्ध कीजिए कि 1 + 1 - 10θ / 1 - cot θ² sec² θ। तो गाइज, मैं आपको ऐसे ही दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सो गाइज, आप मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और गाइज, अभी अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, इस सवाल को मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है कि 1 + cos⁡1 - 10θ अब बटम 1 - cot θ² sec²θ। तो गाइज, ऐसे सवाल आपको 4 नंबर में पूछेंगे। तो गाइज, मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ आप ऐसे सवालों को और आसानी से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें ये ट्रिक है कि देख सकते हैं, इसमें सवाल देख 1 + cos⁡1 - 10θ और बटम 1 - cot θ² तो गाइज, आपको जहाँ भी सिद्ध करने के लिए सवाल मिले और जहाँ भी आपको 10θ और cot θ दिखाई दे तो गाइज, आप इसको तुरंत sin θ और cos θ के रूप में परिवर्तित करें। तो गाइज, यहाँ पे आपको सवाल देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1 + cos⁡1 - 10θ / 1 - cot θ² sec²θ। तो गाइज, इसमें आपको ये सिद्ध करना है तो देख सकते, पहले सिद्ध कीजिए। तो गाइज, इसमें मैंने बायां पक्ष लिया, तो जो आप ही बायां पक्ष लेंगे तो गाइज, जिसको मैंने लिया तो देख सकते हैं 1 + cos⁡1 - 10θ / 1 - cot θ² हम लोगों को सिद्ध करना sec²θ। तो गाइज, जिसको मैं आसानी से इतना सिद्ध करने वाला हूँ, तो गाइज आप इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो गाइज, देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 1 + cos⁡1 - sin θ / cot θ। तो मैंने गाइज आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो आपका 10θ और cot θ दिखाई दे उसको आप sin θ और cos θ के रूप में परिवर्तित करें। तो गाइज, पर देख सकते हैं 10θ, तो यानी आप 10θ का सूत्र जानते हैं कि 10θ बराबर होता है sin θ / cos θ। तो गाइज, इसलिए मैंने 10θ को ही लिखा है 1 - sin θ / cos θ और बटा में 1 माइनस, और cot θ का आप सूत्र जानते हैं कि cos θ / sin θ होता है, तो मैंने इसी को cos θ / sin θ और होल का स्क्वायर गाइज। और आगे है कि प्लस 1 + cos⁡cot θ - sin θ / cos θ। तो गाइज, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइज, इसको मैंने इसमें गुणा किया है तो ये हो गया है कि cos θ और cos θ हो गया -sin θ बटा में cos θ। और गाइज, इसको इसको ऊपर चला जाएगा ये, तो ये गाइज गुणे हो जाएगा इनटू ये भी हो जाएगा, मतलब इसको हल करेंगे तो ये sin θ हो जाएगा और ये cos θ, इसमें cos θ माइनस ये cos θ परिवर्तित कर देंगे तो गाइज ये और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज, इसमें फिर आप बराबर इसको और आगे मैं चलता हूँ। तो आगे क्या है कि 1 + cos⁡1 - sin θ / cos θ और होल का स्क्वायर ही बचेगा। ये देख सकते हैं, ये और ये दोनों एक रूप में ये कट जाएंगे और गुणा का भी चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह है इसमें, तो मतलब माइनस बचा ही है, तो -sin θ / cos θ होल का स्क्वायर। अब गाइज, इसको आप 10² θ लिख सकते हैं। तो गाइज, ये देख सकते 1 + 10² θ बराबर sec²θ दाया पक्ष हो जाएगा। सो गाइज, तो गाइज ये sec²θ हो गया। मैं समझ से, तो गाइज आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, गाइज ये माइनस कहाँ से आ गया। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं cos⁡θ - sin⁡θ और ये sin⁡θ - cos⁡θ। तो गाइज, जिसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है तो ये sin⁡θ - cos⁡θ हो गया, तभी ये कटा है। तो गाइज, ये और होल का स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, तो 1 + tan²θ बराबर sec²θ। गाइज, आप जानते हैं इसका सूत्र होता है कि 1 + tan²θ बराबर sec²θ। तो गाइज, ये आपका दाया पक्ष सिद्ध हो गया। तो गाइज, इससे आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। तो गाइज, मैं आगे भी सवाल और एक लिखा हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। तो गाइज, अब इसमें देख सकते हैं कि दूसरा सवाल मैंने क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि cot A - cos A / cot A + cos A / cosec A - 1 / cosec A + 1। तो गाइज, इसमें भी आपको वही फार्मूला यूज करना है जो मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ भी आपको काट और टेन दिखाई दे उसको आप साइन और कास में
तोड़ ले, इससे आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने बाया पक्ष लिया, तो अब बाया पक्ष उस पर देख सकते हैं क्या और इतना बराबर सिद्ध करना है। तो बाया पक्ष है काट ए माइनस कॉस ए बटा में काट ए प्लस कॉस ए, तो गाइज इसको हमने साइन और कॉस के रूप में तोड़ दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन बटा में कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और इसका भी गाइज इसी तरह से कॉस ए बटा में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए वन बटा में साइन ए माइनस वन और कॉस ए वन बटा में साइन ए प्लस वन। तो गाइज इतना हो जाएगा, यानी इसमें से अपना कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो वन बटा में साइन ए माइनस वन, इसमें भी कॉस ए कॉमन लिए हैं तो वन बटा में साइन ए प्लस वन। तो गाइज मैं फिर अब आगे बताता हूँ आपसे, तो ये गाइज कॉस से कॉस कट जाएंगे। तो गाइज इसमें क्या आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस वन बटा में कॉसेक ए प्लस वन। तो गाइज ये कॉस से कॉस कट जाएगा, और गाइज वन बटा में साइन ए का फार्मूला होता है कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, इसका भी कॉसेक ए हो जाएगा, तो ये माइनस वन है तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन है तो गाइज ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये भी इसका यानी इसको भी हमने सिद्ध कर दिया, यानी दाया पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। सो गाइज ये बहुत ही आसान ट्रिक है, जो आप इसे अपना कर कोई भी सवाल कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक शेयर करें, और गाइज अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।